नरसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्यारकुंड प्रखंड सरपंचल कार्यालय के ग्रामीण विकास विभाग योजना अंतर्गत पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए आवास बनाया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने आज झामुमो के जिलाध्यक्ष रमेश टुडू पहुंचे। इस दौरान साथ में जिला प्रवक्ता अर्णव सरकार और जीप 29 के सदस्य गुलाम कुरैसी मौजूद हैं। निरीक्षण के दौरान निर्माण भवन में कई खामियां पाई गई और कार्य को देखते ही जिलाध्यक्ष आग बबूला हो गए। संविदा को जमकर फटकार लगाते हुए कार्य को बंद करा दिया। वहीं जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू ने बताया कि राज्य सरकार की योजना में अनियमितता बरती जा रही है। शिकायत मिलने पर आज भवन का निरीक्षण किया गया, जहाँ कई खामियां पाई गई। मौजूद सुपरवाइजर को फिलहाल निर्माण कार्य को बंद करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि धनबाद उपायुक्त से मिलकर कार्य में सुधार और दोषी संवेदक पर कार्रवाई की मांग करेंगे। साथ ही सीलापट बोर्ड को नया बोर्ड मुख्यमंत्री के नाम सहित लगाने का काम करेंगे। भवन का निरीक्षण करने आ पाए, क्या देखा, क्या पाए? ग्रामीणों की शिकायत पर आज यहाँ पर पहुंचे थे और आकर के हमने देखा है कि दीवारों में अभी भी बंगला भाटा का ईंट झलक रहा है और कई जगह तो ऐसे भी देखा गया कि अभी जुड़ाई का काम चल ही रहा है लेकिन प्लास्टर कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ था जिसको छुपाने के लिए ये सब किया गया है। ऊपर से यहाँ पर बिना लेंटर का यहाँ पर जुड़ाई का काम चल रहा है। आज कर्मचारी यहाँ पर रहेंगे, कल दिन कुछ हो जाएगा उन लोग पर, तो कुछ जिम्मेवारी कौन है? यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि पदाधिकारी भी आए थे, उन लोगों का भी कहना है कि ड्राइंग खराब है। आखिर खराब ड्राइंग में किसी भवन को हम बना रहे हैं और उस भवन में रहने वाले लोगों का अगर कुछ होता है तो क्या कौन जिम्मेवार होगा? ड्राइंग बनाने वाला, इंजीनियर या पदाधिकारी या कौन जिम्मेवार होगा? इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। निश्चित रूप से जहां गड़बड़ है तो इसके बारे में हम लोग वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे और जो झारखंड में इस प्रकार का लूट मच रहा है इसको हम लोग होने नहीं देंगे। क्या मानते हैं ठेकेदार है और जिला पदाधिकारी जो है वो मिलकर क्या सरकार की जो योजना इसको बदनाम करेंगे साजिश? निश्चित रूप से सरकार बदनाम हो रही है और हम लोग नहीं चाहेंगे कि सरकार किसी प्रकार का बदनाम हो। झारखंड के जनता का पैसा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का भवन में कोई गड़बड़ी थी, ड्राइंग में गड़बड़ी थी, तो ये भवन नहीं बनना चाहिए था। अगर बन रहा है तो निश्चित रूप से इस पर जाँच होनी चाहिए, कहाँ गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करने के बाद ये बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो निश्चित रूप से कल दिन कोई हादसा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसे लेकर के हम वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे, जो भी यहाँ पर त्रुटियाँ हैं उनको पहले दुरुस्त करना होगा, उसके बाद इसका बनना चाहिए और नहीं तो नहीं बनना। जिला के DDC साहब इसका निरीक्षण किए थे, उन्होंने भी गलती मानी थी कि इसमें गलती है, मटेरियल भी गलती है, लेकिन उनके बावजूद भी काम को रोका नहीं गया, क्या मानते हैं? देखिए DDC साहब आकर के क्या बोल के गए इसका तो हमको पता नहीं है। हम DDC साहब से भी बात करेंगे और DC साहब से भी बात करेंगे और दोनों से कहेंगे कि अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से इसका जांच होना चाहिए, उसके बाद ही काम। एक नहीं, कैलाशुल में भी जो भवन बन रहे हैं उसकी भी स्थिति तमाम जो भी भवन बन रही है अगर गड़बड़ी है तो तमाम भवनों की जांच होनी चाहिए। अगर संवेदक या किसी के माध्यम से अगर छेड़छाड़ किया जा रहा है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मजदूरों को डराया धमकाया जा रहा है, क्या कहना है? मजदूर को यदि डराया धमकाया जा रहा है संवेदक के माध्यम से तो निश्चित रूप से संवेदक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हम मजदूरों से भी बात कर रहे थे, उन लोगों को जैसे डेली कमा के खाने वाले यहाँ पर मजदूर हैं, बोल रहे हैं कि 20 दिन से हमको पेमेंट नहीं मिला है, ये तो दुर्भाग्य की बात है। संवेदक को समझना चाहिए, अगर नहीं समझते तो संवेदक को निश्चित रूप से हम कार्रवाई के लिए बात रखेंगे वरीय पदाधिकारियों के यहाँ। आखिर एक लेबर से आप खटवा रहे हैं, उनको आप 20-20 दिन 25-25 दिन यहाँ महीना में आप खटवा रहे हैं, क्या तनख्वाह दे रहे हैं? आप रोजगार दे रहे हैं, एक प्रतिदिन के लिए उसको आप काम करवा रहे हैं,